नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पुराने समय से ही हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वह अलवेरा या ग्वारपाठा के हलवा व लड्डू का उपयोग करते आए हैं, जिससे कि उन्हें पूरे जीवन भर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहती है, न शुगर की, न बीपी की, अर्थराइटिस और बहुत सी जो समस्याएँ हैं वो उनका समाधान उसी से हो जाता है। सर्दियों में तो जरूर जो है वह लड्डू बनाकर खाए जाते थे इसके। तो आज दोस्तों उसी कड़ी में हम बताने जा रहे हैं आपको एलोवेरा का हलवा बनाने का तरीका, मेरी दादी माँ की रेसिपी जो कि आपको 100 साल तक के लिए यंग रखेगी। बहुत ही उपयोगी रेसिपी है दोस्तों ये। इसके बाद हम इसके लड्डू की रेसिपी भी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों बन रहे हैं तक इस जबरदस्त हलवे की रेसिपी जानने के लिए। दोस्तों सबसे पहले ये घर पर ही हमने एलोवेरा उगाया हुआ है, तो सबसे पहले हम एलोवेरा काटेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हम काट लेंगे उसे। और काटने के बाद दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हमें इस प्रकार इसको खड़ा करके रख देना है, देखिए, क्योंकि इसमें से एक लाल कलर का पदार्थ निकलता है, हमें उसे अच्छे से निकाल देना है। वो 10 से 15 मिनट के अंदर बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। दोस्तों हमने थोड़ा घी है उसमें हमने सूजी जो है वो सेकने के लिए डाल दिए 1 बाउल, और उसे धीमी आंच में हम धीरे धीरे सेक लेंगे। ये दोस्तों हमें सूजी को लगातार हिलाते रहना है और फ्लेम हमारी लो रहेगी, लगातार हिलाते रहेंगे, उससे ये सूजी जलेगी नहीं हमारी। और जब इसमें खुशबू आने लगे और थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे, इसका मतलब कि ये पक चुकी है। सूजी से दोस्तों खुशबू भी आने लगी है और कलर भी चेंज हो गया, देखिए इसका। अब हम इसे दोबारा बाउल में निकाल लेंगे। दोस्तों ये अलवेरा हमारा जो पानी था इसका देखिए निकल चुका है। अब हम ये हिस्सा काट देंगे इसका, और धो लिया हमने इसको, अच्छे साफ कर लिया है, ये हिस्सा काट के और हम अलग कर देंगे। और सबसे पहले दोस्तों हम इसके ये जो साइड का जो कांटे वाला हिस्सा है वो काट लेंगे, देखिए इस तरह से। अब इसे दोस्तों हम अलग अलग टुकड़ों में काट लेंगे। अब दोस्तों जो एलोवेरा का ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम इस तरह से छील देंगे, देखिए ये हटा देंगे इस तरह धीरे धीरे छील के। साइड से हमने कांटे हटाए दिए हैं, कांटे वाला हिस्सा, और इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इस प्रकार इसका ये बीच का जो जेली वाला पार्ट है वह रह जाएगा इसमें। ये देखिए दोस्तों ये ऊपर का जो छिलका है वो हमने हटा लिया है, अब खाली ये जेली वाला पार्ट है इसका। अब इसे भी हम 2 टुकड़ों में काट लेते हैं। और ये हमने दोस्तों कद्दूकस ले लिया है, घिया का जिसे हम कहते हैं, और उस पर हम इसे धीरे धीरे घिसकर इसका घिसेंगे। घिसते समय ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ये सॉफ्ट होता है, फिसल जाता है हाथ से। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसका छिलका जब तक आता है यानी गुदा गुदा जो पार्ट है वही हमें घिसना है। घिसने के अलावा दोस्तों हमारे पास एक काटने का तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे काटने के लिए दोस्तों सबसे पहले ऊपर का जो हिस्सा है वो हटा देंगे इसका, इस तरह से देखिए धीरे धीरे, और फिर आपका जो जेल वाला पार्ट है वह रह जाएगा। ये देखिए दोस्तों छील लिया, और इस पर थोड़े कट लगा देंगे दोस्तों हम छोटे छोटे इस तरह से, देखिए। अब दोस्तों इसे धीरे धीरे इस प्रकार से काट लेंगे, तो जेल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार निकल के आ जाएगा अपना। ये देखिए दोस्तों ये जेल हमारा रेडी हो चुका है, जितना हमने लगभग सूजी ली थी उतना ही जेल तैयार है हमारा। और दूसरी तरफ दोस्तों हमने पैन में
दो चम्मच घी जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म हो चुका है घी हमारा। अब हम इसमें जो हमने जेल निकाला है ये वो डालेंगे हम इसमें, और फ्लेम हमारी लो रहेगी। इसे दोस्तों हम लो मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई करते रहेंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, लो फ्लेम पर तैयार हो रहा है ये। ये दोस्तों अच्छे से फ्राई हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने सूजी सेक के रखी थी वो हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए सूजी हमने डाल दी है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे सूजी के साथ, और एक मिनट के लिए इसे सूजी के साथ सिकने देंगे। लगभग एक मिनट हो गया दोस्तों, इसे मिक्स करके हमने सेक लिया है एलोवेरा के साथ, और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी दोस्तों अगर हमने एक बाउल सूजी ली है तो लगभग तीन बाउल जो है वो उसमें पानी डलेगा। और पानी डाल के दोस्तों हम इसे हिलाएंगे। पानी डाल के दोस्तों इसे लगातार हमें हिलाते रहना है। आप चाहें तो धीरे धीरे पानी भी डाल सकते हैं दोस्तों, पहले आधा गिलास फिर एक गिलास इस तरह से भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो एक साथ भी डाल सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, दो से तीन इलायची का पाउडर, जिससे कि खुशबू अच्छी आएगी आपके हलवे में। और साथ ही अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने सूजी सेकी थी उसी के साथ अब जो है ड्राई फ्रूट्स बादाम काजू वगैरह वो सेक कर इसमें डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे चीनी, आप चाहें तो बूरा भी डाल सकते हैं। चीनी आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, मैंने लगभग आधा बाउल लिया है क्योंकि ज़्यादा मीठा जो है वो हम नहीं बनाना चाहते इसे। दोस्तों ये जो हलवा है वो शुगर के पेशेंट्स भी खा सकते हैं, अर्थराइटिस बीपी सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हलवा जो है हमारा उसने घी छोड़ दिया है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, और बहुत ही स्वादिष्ट बना है दोस्तों हमारा हलवा। दोस्तों शुगर पेशेंट जो है वह चीनी की जगह शुगर फ्री का भी उपयोग कर सकते हैं, या कम चीनी का भी हलवा हम खा सकते हैं। बहुत से लोगों बहुत सी समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत ही फायदेमंद भी रहता है ये सेहत के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारी डिश पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।